ये माँ चुने सब छूट गई मेरी जो जाएंगे माँ एक मेरे हाथ छूटे हो जाएंगे। तो ये मेरी गुन्नू का दांत टूट गया है और गुन्नू रोने लग गई है। ठीक है, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है हेमा नेकी और स्वागत करती हूँ मैं आज आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह के 6:30 बजे से। तो आज है नवमी, तो आज है कन्या पूजन। तो मैं सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ, तो आज पहनी है मेरी साड़ी। तो मैं रोज़ नवमी की पूजा करती हूँ और कई लोग अष्टमी करते हैं, पर मैं नवमी की पूजा करती हूँ। तो मैं इसलिए सुबह जल्दी उठ गई थी और नहा धो के हो गई हूँ मैं तैयार, पूजा भी मेरी हो गई है। तो आज मैंने साड़ी पहनी है और गुन्नू भी सुबह सुबह नहा गई है और गुन्नू भी तैयार हो गई है। तो अब चलती हूँ मैं किचन में, क्या क्या बना रही हूँ आप लोग देखें। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए, उसके बाद में चाय पी के उसके बाद करूँगी मैं किचन का सारा काम। सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई चाय और मैंने किचन रात को ही साफ कर लिया था पूरा। तो ये चने भी मैंने रात को भिगो लिए थे 2 सीटी मार के, तो चने भी हो चुके हैं। तो मेरी चाय भी बन चुकी है। तो ये रख दी है मैंने कढ़ाई और ये डाल दिया है मैंने कढ़ाई में तेल। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चने, सूखे चने। तो ये ले रखा है मैंने चने, नमक मैंने कम ले रखा है क्योंकि नमक मैंने जब मैंने चने उबाले तो उस समय भी डाल रखा था। तो अब डाल दिया इसमें मैंने जीरा, तो ये डाल दिया है मैंने जीरा। तो मेरा ये जीरा हो चुका है, तो अब इसमें डालूंगी मैं सारे मसाले और मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले। और ये डाल दिए हैं इसमें, आप चाहो तो आप पानी नहीं डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़ी सी पानी डाल रखा है जो कि वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो जब तक बनते हैं चने तब तक मैंने सूजी के लिए सामान निकाल लिया है और ये रहा सूजी और ये मैंने नारियल कस रखा है और ये है इसमें काजू और बादाम, ये है किशमिश और ये रखे हैं मैंने सौंफ। रखा है मैंने सूजी के लिए पानी गर्म होने के लिए। ये है मेरे चने, तो चने निकाल लूँगी मैं दूसरे बर्तन में। डाल दिया है मैंने हलवा के लिए घी और ये है गाय का घी। तो घी भी गर्म हो चुका है हमारा, तो हम डाल देंगे अब सूजी। हलवा भी मेरा बन चुका है, तो अब बनाऊंगी मैं पूरी। तो इसमें मैं थोड़ी सी नमक डालूंगी और अजवाइन डालूंगी। तो ये हलवा बन चुका है मेरा, तो इसमें रख दूंगी मैं अब ढक्का। तो अब गूंद लेती हूँ मैं पूरी, बन चुकी है मेरी पूरी भी और ये रहा हलवा और ये रहे चने। तो खाना खाना मेरा बन गया है। तो ये रख दिया है मैंने कन्याओं के लिए और ये आ चुकी हैं मेरी कन्याएं। तो सबसे पहले मैं इनके पैर धोऊंगी कन्याओं के। ये हमारी कन्याएं भोजन कर रही हैं। और
और एक कन्या ये है, ये कुछ नहीं खा रही है, बस ये खेल रही है। आरु आरु हाय बोल दे। हाय कैसे हो बोल। हाय बोल। सुनमारी है सुनमारी। तो मैंने कन्याओं को खाना खिला लिया था और बाकी ये तीन अभी आए, तो मैंने इनके लिए भी प्रसाद दे दिया है। तो ये बीच का है भैरव, मैंने इसको भी प्रसाद दे दिया है। हेलो दोस्तों, तो मेरी कन्या पूजन हो गई है और कन्या चले गई है दूसरी जगह, तो मैं थोड़ा अपने अगल बगल दे देती हूँ प्रसाद, तो उसके बाद खाती हूँ मैं खाना। तो टाइम भी हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। ठीक है, टाइम हो रहा है 12:30 बज चुके हैं और मैं काम हम करके सो गई थी, थोड़ा मेरा सर दर्द हो गया है। तो अब हो रहा है खाना बनाने का टाइम। आज मैं 7-8 दिन से चावल खाऊंगी दिन में, तो मैं खाना मतलब चावल खाने में मैं चावल कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे को चावल चाहिए ही चाहिए होता है रोज़। तो नवरात्रि के व्रत में मैंने चावल मतलब दिन में नहीं खाती थी मैं चावल, व्रत था तो कहाँ से खाती है, पर रात में भी नहीं बनाती थी मैं, रात में भी रोटी खाई मैंने। तो आज बनाऊँगी मैं 7-8 दिन बाद अपने लिए दिन का खाने में चावल, और बनाऊँगी कढ़ी। ठीक है, तो ये उबल गई है मेरी कढ़ी और इधर रखा है मैंने चावल और ये कसा है मैंने खीरा कढ़ी में डालने के लिए, जब कढ़ी बन जाएगी उसके बाद डालूंगी मैं ऊपर से। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज चुके हैं 3:30। तो मैं हो रही हूँ तैयार, तो हम जा रहे हैं आज करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, और परसों जा रहे थे हम, तो परसों हम गए नहीं, तो आज जा रहे हैं हम। हमने खाना खाना भी खा लिया है। तो ये मेरी गुन्नू का दांत टूट गया है और गुन्नू रोने लग गई है। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैं मार्केट के लिए तैयार हुई तो वैसे ही गुन्नू का दांत टूट गया। ये देखिए, ये कर दीजिए, गुन्नू का यहाँ पर का दांत टूट गया है, ये देख सकते हैं आप, और गुन्नू का भी दांत से खून निकल रहा है। तो दांत कैसे टूटा गुन्नू का मैं बताती हूँ आपको, और ये है टिप टॉप। तो गुन्नू ने इसको ऐसे मुंह में डाला, इसको बंद किया, तो गुन्नू का दांत टूट गया। और पहले भी थोड़ा हिल रहा था, और पहले इसने क्या किया, ये चुन्नी डाल रखी थी इसने मुंह में, और चुन्नी खींची तो दांत ना हिलने लग गया था, और आज इसने ये टिप टॉप यहाँ मुँह में फंसाया और इसका दांत टूट गया। और गुन्नू इतना रोई, और देखो अभी भी रो रही है। तो गुन्नू नया दांत आ जाएगा तेरा। तो गुन्नू ने वो दांत अपना संभाल के रखा है, तो कह रही, मैंने कहा चल मैं फेंक दूंगी तेरा दांत, कह रही नहीं पहले मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगी अपना दांत। किसको कर रही फोन? इसके पापा को। मैं वीडियो बना रही। अभी तुम्हें घर से बात करके आई, बोल तो क्या बोलना। अभी टाइम हो गया है, शाम के बज चुके हैं 6, तो हम आ गए हैं शॉपिंग करके। हम तो 4:30 बजे आ गए थे, लेकिन अभी टाइम 6 बज गए हैं, तो हम वहाँ से आके मैंने चाय है बनाई, चाय है पी। तो हमने क्या शॉपिंग करी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये ला रखी है मैंने राई। ठीक है, और ये ला रखी है मैंने मेथी, ये है बैंगन, ये है लौकी, बस सब्जी यही है, थोड़ा उसके साथ हरी मिर्च और धनिया है। ठीक है, तो एक लाई में अपने लिए चूड़ियाँ दिखाती मैं आपको, ये माँ चूड़ियाँ सब टूट गई मेरी, जो ये चूड़ियाँ मेरी सारी टूट गई, देखो ये, ये देखिए, हट साला, इतनी प्यारी चूड़ियाँ ला रखी थी मैंने, टूट गई है ये, ये देखिए, इनका सेट बनना था और टूट गई वो, ये देखिए आप, ये कलरफुल बिंदी है और ये रेड वाली है, और ये लिपस्टिक है,
ब्राउन। और ये फ्रूट क्रीम है, अब ठंडी शुरू हो गई है तो फ्रूट क्रीम का यूज होगा। ठीक है, एक ये नेल पेंट है ग्रीन वाला, बाकी कुछ नहीं लाए मैं। ठीक है, और एक ये पार्सल आया मेरा मीशो से, तो मैं इसमें मैंने मंगा रखे थे अपने लिए करवा चौथ के लिए चूड़े, तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे आ रखे हैं। जैसे मैंने मंगा रखे थे सेम टू सेम वैसे ही आ रखे हैं। ये देखिए, ठीक है, पर मेरे हाथ में जाएंगे मांगा, एक मेरे हाथ छोटे हो जाएंगे। तो बहुत दिनों से हम करते शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, तो शॉपिंग भी हो गई है हमारी। शॉपिंग क्या होनी है, थोड़ी फैंसी सामान। साड़ी तो मैंने ऑनलाइन मंगा रखी थी पर वो अभी सिलने गई है, अभी आई नहीं, जब आएगी तब दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो अब बना रहे हम रात का डिनर। तो ये रखी है मैंने हरी सब्जी, और ये बना रही है मेरी गुन्नू रोटी। तो आज की रोटी बना रही है मेरी गुन्नू, और ये देखिए आप, गुन्नू ने बिल्कुल गोल रोटी बना रखी है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।